तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं कैरी मिनाटी के बारे में और सौरव जोशी के बारे में। तो गाइस सौरव जोशी हमारे इंडिया के नंबर वन ब्लॉगर है जिनके यूट्यूब चैनल पर करीबन 11 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। वहीं दोस्तों कैरी मिनाटी हमारे इंडिया के नंबर वन यूट्यूबर है जिनके चैनल पर 33 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। अब तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं इन दोनों की यूट्यूब इनकम के बारे में कि इन दोनों में से ज्यादा पैसा यूट्यूब से कौन कमाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग चलते हैं सोशल ब्लेड वेबसाइट में और वहां पर इन दोनों की प्रोफाइल को खोलते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ये है कैरी मिनाटी की प्रोफाइल और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कैरी मिनाटी के 33 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और 176 वीडियोस इन्हें अपलोड की है। अब दोस्तों कैरी मिनाटी के पिछले 30 दिनों में टोटल 51 मिलियन व्यूज आए हैं उनके वीडियोस में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 51 मिलियन व्यूज लिखा हुआ है। वही दोस्तों बात करें अगर हम सौरव जोशी की तो सौरव जोशी के प्रोफाइल में आते हो यहाँ पर देखते सौरव जोशी ने 809 वीडियो अपलोड की है और दोस्तों उन्होंने पिछले मतलब 30 दिनों में टोटल 336 मिलियन व्यूज गेन किए यानी कि कलेक्ट किए हैं। तो यहाँ पर गाइस आप लोग देख सकते हो कि कैरी मिनाटी से सौरव जोशी कितने आगे हैं व्यूज के मामले में। तो यहाँ पर गाइस आप लोग इन आंकड़ों को देख के समझ सकते हो कि कैरी मिनाटी से कितना आगे हैं सौरव जोशी व्यूज के मामले में। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं इनके इनकम के बारे में। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कैरी मिनाटी के पिछले मतलब के 30 दिनों में $12,000 के आसपास अर्निंग हुई है। और उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं सौरव जोशी का। सौरव जोशी ने दोस्तों पिछले मतलब के 30 दिनों में करीबन $84,000 की इनकम की है। अब दोस्तों इन डॉलर को हम लोग इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं कि कितना रुपया होता है। दोस्तों यहां पर कैरी मिनाटी ने पिछले 30 दिनों में $12,000 कमाए हैं। तो यहां पर हम लोग जाते हैं कैलकुलेटर में और यहां पर 12,000 हम लोग लिखते हैं और गुणे करते हैं हम लोग 74 से और यहां पर हमारे सामने रिजल्ट आता है 888,000 रुपए। तो ये दोस्तों कैरी मिनाटी की एक महीने की इनकम है 888,000। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं सौरव जोशी के बारे में और सौरव जोशी का एक महीने का इनकम है $84,000। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे कैलकुलेटर में 84000 और यहाँ पर हम लोग गुणा करेंगे 74 से और यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने रिजल्ट आता है 62,16,000 रुपए। तो ये है दोस्तों सौरव जोशी की 30 दिन की अर्निंग्स 62,16,000 रुपए। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं सोशल ब्लेड जो मतलब की वेबसाइट है ये यहाँ पर जो भी डेटा बताती है वो 95% डेटा सही होता है, बाकी 5% डेटा आगे पीछे मतलब की हो सकता है। तो यहाँ पर सौरव जोशी की जो 30 दिनों की इनकम है वो है 62,16,000 रुपए और कैरी मिनाटी की जो इनकम है वो है 888,000 रुपए। तो अब दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि कैरी मिनाटी और सौरव जोशी व्लॉग इन दोनों में से सबसे ज्यादा पैसे यूट्यूब से अभी कौन कमा रहा है। फिलहाल दोस्तों आप लोग का कैरी मिनाटी और सौरव जोशी व्लॉग्स इन दोनों में से आपका फेवरेट आपको ज्यादा कौन पसंद है आप लोग इसके बारे में हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा।